जुलाई का महीना यानी मॉनसून का महीना, बारिश का महीना। बीते कुछ दिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण चिंता और परेशानी से भरे रहे हैं। यमुना समेत कई नदियों में बाढ़ से कई इलाकों में लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं भी हुई है। इसी दौरान देश के पश्चिमी हिस्से में कुछ समय पूर्व गुजरात के इलाकों में बिपरजॉय साइक्लोन भी आया। लेकिन साथियों, इन आपदाओं के बीच हम सब देशवासियों ने फिर दिखाया है कि सामूहिक प्रयास की ताकत क्या होती है। स्थानीय लोगों ने, हमारे एनडीआरएफ के जवानों ने, स्थानीय प्रशासन के लोगों ने दिन रात लगाकर ऐसी आपदाओं का मुकाबला किया है। किसी भी आपदा से निपटने में हमारे सामर्थ्य और संसाधनों की भूमिका बड़ी होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारी संवेदनशीलता और एक दूसरे का हाथ थामने की भावना उतनी ही अहम होती है। सर्वजन हिताय की यही भावना भारत की पहचान भी है और भारत की ताकत भी है। साथियों, बारिश का यही समय वृक्षारोपण और जल संरक्षण के लिए भी उतना ही जरूरी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान बने 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों में भी रौनक बढ़ गई है। अभी 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों को बनाने का काम चल भी रहा है। हमारे देशवासी पूरी जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ जल संरक्षण के लिए नए नए प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले मैं एमपी के शहडोल गया था। वहां मेरी मुलाकात पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों से हुई थी। वहीं पर मेरी उनसे प्रकृति और पानी को बचाने के लिए भी चर्चा हुई थी। अभी मुझे पता चला है कि पकरिया गांव के आदिवासी भाई बहनों ने इसे लेकर काम भी शुरू कर दिया है। यहां प्रशासन की मदद से लोगों ने करीब 100 कुओं को वाटर रिचार्ज सिस्टम में बदल दिया है। बारिश का पानी अब इन कुओं में जाता है और कुओं से ये पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे इलाके में भू जल स्तर भी धीरे धीरे सुधरेगा। अब सभी गांव वालों ने पूरे क्षेत्र के करीब करीब 800 कुएं को रिचार्ज के लिए उपयोग में लाने का लक्ष्य बनाया है। ऐसी ही एक उत्साहवर्धक खबर यूपी से आई है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण है। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सदाशिव महादेव की साधना आराधना के साथ ही सावन हरियाली और खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए सावन का आध्यात्मिक के साथ ही सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्व रहा है। सावन के झूले, सावन की मेहंदी, सावन के उत्सव, यानी सावन का मतलब ही आनंद और उल्लास होता है। साथियों, हमारी इस आस्था और इन परंपराओं का एक पक्ष और भी है। हमारे ये पर्व और परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं।
सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अब काशी में हर साल 10 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक पहुंच रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही दो अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मूल की महिला है, शार्लोट शोपा। बीते दिनों जब मैं फ्रांस गया था तो इनसे मेरी मुलाकात हुई थी। शार्लोट शोपा एक योगा प्रैक्टिशनर है, योगा टीचर है, और उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। वो सेंचुरी पार कर चुकी है। वो पिछले 40 साल से योग प्रैक्टिस कर रही है। वो अपने स्वास्थ्य और 100 साल की इस आयु का श्रेय योग को ही देती है। वो दुनिया में भारत के योग विज्ञान और इसकी ताकत का एक प्रमुख चेहरा बन गई है। इनसे हर किसी को सीखना चाहिए। हम न केवल अपनी विरासत को अंगीकार करें बल्कि उसे जिम्मेदारी के साथ विश्व के सामने प्रस्तुत भी करें। और मुझे खुशी है कि ऐसा ही एक प्रयास इन दिनों उज्जैन में चल रहा है। यहां देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्र कथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथद्वारा शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कुछ समय बाद जब आप उज्जैन जाएंगे तो महाकाल महालोक के साथ साथ एक और दिव्य स्थान के आप दर्शन कर सकेंगे। साथियों, उज्जैन में बन रही इन पेंटिंग्स की बात करते हुए मुझे एक और अनोखी पेंटिंग की याद आ गई है। ये पेंटिंग राजकोट के एक आर्टिस्ट प्रभात सिंह मोड़भाई बरहाट जी ने बनाई थी। ये पेंटिंग छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के जीवन के एक प्रसंग पर आधारित थी। आर्टिस्ट प्रभात भाई ने दर्शाया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद अपनी कुलदेवी तुलजा माता के दर्शन करने जा रहे थे, तो उस समय क्या माहौल था। अपनी परंपराओं, अपनी धरोहरों को जीवंत रखने के लिए हमें उन्हें सहेजना होता है, उन्हें जीना होता है, उन्हें अगली पीढ़ी को सिखाना होता है। मुझे खुशी है कि आज इस दिशा में अनेकों प्रयास हो रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कई बार जब हम इकोलॉजी, फ्लोरा, फोना, बायोडायवर्सिटी जैसे शब्द सुनते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है।
इनसे जुड़े एक्सपर्ट के विषय हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम वाकई प्रकृति प्रेम करते हैं तो हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तमिलनाडु में वाड़ा वल्ली के एक साथी हैं सुरेश राघवन जी। राघवन जी को पेंटिंग का शौक है। आप जानते हैं पेंटिंग कला और कैनवास से जुड़ा काम है, लेकिन राघवन जी ने तय किया कि वो अपनी पेंटिंग्स के जरिए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की जानकारी को संरक्षित करेंगे। वो अलग अलग फ्लोरा और फौना की पेंटिंग्स बनाकर उनसे जुड़ी जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। वो अब तक दर्जनों ऐसी चिड़ियाओं की, पशुओं की, ऑर्चिड्स की पेंटिंग्स बना चुके हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। कला के जरिए प्रकृति की सेवा करने का यह उदाहरण वाकई अद्भुत है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको एक और दिलचस्प बात भी बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। आपको यह भी जानकर खुशी होगी कि इन दुर्लभ चीजों का नाता देश के अलग अलग क्षेत्रों से है। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो आपको आश्चर्य से भर देगी। आप इन्हें देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। इनमें 11वीं शताब्दी का एक खूबसूरत सैंडस्टोन स्कल्पचर भी आपको देखने को मिलेगा। ये नृत्य करती हुई एक अप्सरा की कलाकृति है जिसका नाता मध्य प्रदेश से है। चोल युग की कई मूर्तियां भी इनमें शामिल है। देवी और भगवान मुर्गन की प्रतिमाएं तो 12वीं शताब्दी की है और तमिलनाडु की वैभवशाली संस्कृति से जुड़ी है। भगवान गणेश की करीब 1000 वर्ष पुरानी कांसे की प्रतिमा भी भारत को लौटाई गई है। ललितासन में बैठे उमा महेश्वर की एक मूर्ति 11वीं शताब्दी की बताई जाती है जिसमें वे दोनों नंदी पर आसीन है। पत्थरों से बनी जैन तीर्थंकरों की 2 मूर्तियां भी भारत वापस आई है। भगवान सूर्यदेव की 2 प्रतिमाएं भी आपका मन मोह लेंगी। इनमें से एक सैंडस्टोन से बनी है। वापस लौटाई गई चीजों में लकड़ी से बना एक पैनल भी है जो समुद्र मंथन की कथा को सामने लाता है। 16वीं-17वीं सदी के इस पैनल का जुड़ाव दक्षिण भारत से है। साथियों, यहां मैंने तो बहुत कभी नाम लिए हैं, जबकि देखे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अमेरिकी सरकार का आभार करना चाहूंगा जिन्होंने हमारी इस बहुमूल्य विरासत को लौटाया है। 2016 और 2021 में भी जब मैंने अमेरिका की यात्रा की थी तब भी कई कलाकृतियां भारत को लौटाई गई थी। मुझे विश्वास है कि ऐसे प्रयासों से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों की चोरी रोकने को, इस बात को लेकर के देश भर में जागरूकता बढ़ेगी। इससे हमारी समृद्ध विरासत से देशवासियों का लगाव भी और गहरा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड की कुछ माताओं और बहनों ने जो पत्र मुझे लिखे हैं वो भावुक कर देने वाले हैं। उन्होंने अपने बेटे को, अपने भाई को खूब सारा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर रहा भोजपत्र उनकी आजीविका का साधन बन सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा माजरा है क्या? साथियों, तो मुझे ये पत्र लिखे हैं चमोली जिले की
नीति माणा घाटी की महिलाओं ने। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मुझे भोजपत्र पर एक अनूठी कलाकृति भेंट की थी। ये उपहार पाकर मैं भी बहुत अभिभूत हो गया। आखिर हमारे यहां प्राचीन काल से हमारे शास्त्र और ग्रंथ इन्हीं भोजपत्रों पर सहजे जाते रहे हैं। महाभारत भी तो इसी भोजपत्र पर लिखा गया था। आज देवभूमि की ये महिलाएं इस भोजपत्र से बेहद ही सुंदर सुंदर कलाकृतियां और स्मृति चिन्ह बना रही हैं। माणा गांव की यात्रा के दौरान मैंने उनके इस यूनिक प्रयास की सराहना की थी। मैंने देवभूमि आने वाले पर्यटकों से अपील की थी को यात्रा के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें। इसका वहां बहुत असर हुआ है। आज भोजपत्र के उत्पादों को यहां आने वाले तीर्थयात्री काफी पसंद कर रहे हैं और इसे अच्छे दामों पर खरीद भी रहे हैं। भोजपत्र की यह प्राचीन विरासत उत्तराखंड की महिलाओं के जीवन में खुशहाली के नए नए रंग भर रही है। मुझे यह जानकर भी खुशी हुई है कि भोजपत्र से नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए राज्य सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रही है। राज्य सरकार ने भोजपत्र की दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी अभियान शुरू किया है। जिन क्षेत्रों को कभी देश का आखिरी छोर माना गया था उन्हें अब देश का प्रथम गांव मानकर विकास हो रहा है। यह प्रयास अपनी परंपरा और संस्कृति को संजोने के साथ आर्थिक तरक्की का भी जरिया बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। यह एक बड़ा बदलाव है। पहले मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम हज करने की इजाजत नहीं थी। मैं मन की बात के माध्यम से सऊदी अरब सरकार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बिना महरम हज पर जा रही महिलाओं के लिए खास तौर पर विमेन कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त की गई थी। साथियों, बीते कुछ वर्षों में हज पॉलिसी में जो बदलाव किए गए हैं उनकी भरपूर सराहना हो रही है। हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों ने इस बारे में मुझे काफी कुछ लिखा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को हज पर जाने का मौका मिल रहा है। हज यात्रा से लौटे लोगों ने, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने चिट्ठी लिखकर जो आशीर्वाद दिया है वो अपने आप में बहुत प्रेरक है। मेरे प्यारे देशवासियों, जम्मू कश्मीर में म्यूजिकल नाइट्स हो, हाई एल्टीट्यूड में बाइक रैलीज हो, चंडीगढ़ के लोकल क्लब हो और पंजाब में ढेर सारे स्पोर्ट्स ग्रुप्स हो, ये सुनकर लगता है एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, एडवेंचर की बात हो रही है। लेकिन बात कुछ और है। ये आयोजन एक कॉमन कॉज से भी जुड़ा हुआ है और ये कॉमन कॉज है ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता अभियान। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ड्रग्स से बचाने के लिए कई इनोवेटिव प्रयास देखने को मिले हैं। यहां म्यूजिकल नाइट, बाइक रैली जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। चंडीगढ़ में इस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए लोकल क्लब्स को इससे जोड़ा गया है। वे इन्हें वादा क्लब्स कहते हैं। वादा यानी विक्ट्री अगेंस्ट
ड्रग्स एब्यूज। पंजाब में कई स्पोर्ट्स ग्रुप भी बनाए गए हैं जो फिटनेस पर ध्यान देने और नशा मुक्ति के लिए अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। नशे के खिलाफ अभियान में युवाओं की बढ़ती भागीदारी बहुत उत्साह बढ़ाने वाली है। ये प्रयास भारत में नशे के खिलाफ अभियान को बहुत ताकत देते हैं। हमें देश की भावी पीढ़ियों को बचाना है तो उन्हें ड्रग्स से दूर रखना ही होगा। इसी सोच के साथ 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान से 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा गया है। 2 हफ्ते पहले ही भारत ने ड्रग्स के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स की करीब 1.5 लाख किलो की खेप को जब्त करने के बाद उसे नष्ट कर दिया गया है। भारत ने 10 लाख किलो ड्रग्स को नष्ट करने का अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। इन ड्रग्स की कीमत 12,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। मैं उन सभी की सराहना करना चाहूंगा जो नशा मुक्ति के इस नेक अभियान में अपना योगदान दे रहे हैं। नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़े। मेरे प्यारे देशवासियों, जब बात ड्रग्स और युवा पीढ़ी की हो रही है तो मैं आपको मध्य प्रदेश की एक इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बताना चाहता हूं। ये इंस्पायरिंग जर्नी है मिनी ब्राजील की। आप सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में मिनी ब्राजील कहां से आ गया? यही तो ट्विस्ट है। एमपी के शहडोल में एक गांव है विचारपुर। विचारपुर को मिनी ब्राजील कहा जाता है। मिनी ब्राजील इसलिए क्योंकि ये गांव आज फुटबॉल के उभरते सितारों का गढ़ बन गया है। जब कुछ हफ्ते पहले मैं शहडोल गया था तो मेरी मुलाकात वहां ऐसे बहुत सारे फुटबॉल खिलाड़ियों से हुई थी। मुझे लगा कि इस बारे में हमारे देशवासियों को और खासकर युवा साथियों को जरूर जानना चाहिए। साथियों, विचारपुर गांव के मिनी ब्राजील बनने की यात्रा 2.5 दशक पहले शुरू हुई थी। उस दौरान विचारपुर गांव अवैध शराब के लिए बदनाम था, नशे की गिरफ्त में था। इस माहौल का सबसे बड़ा नुकसान यहां के युवाओं को हो रहा था। एक पूर्व नेशनल प्लेयर और कोच रईस अहमद ने इन युवाओं की प्रतिभा को पहचाना। रईस जी के पास संसाधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूरी लगन से युवाओं को फुटबॉल सिखाना शुरू किया। कुछ साल के भीतर ही यहां फुटबॉल इतनी पॉपुलर हो गई कि विचारपुर गांव की पहचान ही फुटबॉल से होने लगी। अब यहां फुटबॉल क्रांति नाम से एक प्रोग्राम भी चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत युवाओं को इस खेल से जोड़ा जाता है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये प्रोग्राम इतना सफल हुआ है कि विचारपुर से नेशनल और स्टेट लेवल के 40 से ज्यादा खिलाड़ी निकले हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। फुटबॉल के कई बड़े पूर्व खिलाड़ी और कोच आज यहां युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप सोचिए, एक आदिवासी इलाका जो अवैध शराब के लिए जाना जाता था, नशे के लिए बदनाम था, वो अब देश की फुटबॉल नर्सरी बन गया है। इसलिए तो कहते हैं, जहां चाह वहां राह। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है।
जरूरत है तो उन्हें तलाशने की और तराशने की। इसके बाद यही युवा देश का नाम रोशन भी करते हैं और देश के विकास को दिशा भी देते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम सभी पूरे उत्साह से अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान देश में करीब करीब 2,00,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रंगों से सजे थे, विविधता से भरे थे। इन आयोजनों की एक खूबसूरती ये भी रही कि इनमें रिकॉर्ड संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान हमारे युवाओं को देश की महान विभूतियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। पहले कुछ महीनों की बात करें तो जन भागीदारी से जुड़े कई दिलचस्प कार्यक्रम देखने को मिले। ऐसा ही एक कार्यक्रम था दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर मीट का आयोजन। इसमें रिकॉर्ड संख्या में लोगों की सहभागिता देखी गई। वहीं आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ। हम सभी जानते हैं कि हमारे इतिहास में किलों का, फोर्ट्स का कितना महत्व रहा है। इसी को दर्शाने वाली एक कैंपेन किले और कहानियां, यानी फोर्ट से जुड़ी कहानियां भी लोगों को खूब पसंद आई। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन विभूतियों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी स्थापित किए जाएंगे। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव गांव से, कोने कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। ये यात्रा अपने साथ देश के अलग अलग हिस्सों से पौधे लेकर भी आएगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। मैंने पिछले साल लाल किले से अगले 25 वर्षों के अमृतकाल के लिए पंच प्राण की बात की थी। मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेकर हम इन पंच प्राणों को पूरा करने की शपथ भी लेंगे। आप सभी देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर शपथ लेते हुए अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर जरूर अपलोड करें। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज बस इतना ही। अब कुछ ही दिनों में हम 15 अगस्त आजादी का ये महान पर्व का हिस्सा बनेंगे। देश की आजादी के लिए मर मिटने वालों को हमेशा याद रखना है। हमें उनके सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है और मन की बात देशवासियों की इसी मेहनत को,
उनके सामूहिक प्रयासों को सामने लाने का ही एक माध्यम है। अगली बार कुछ नए विषयों के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।